जय हिंद और माई डिफेंस एस्परियंट आई एम ग्रुप कैप्टन एल के पांडे एंड आई एम हेयर विद एन इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ सिलेक्शन विच इज़ परटेनिंग टू आवर बॉयज एंड बॉयज एंड गर्ल्स ऑफ टेन प्लस टू टी एस डैट इज टेक्निकल एंट्री स्कीम फॉर द आर्मी एंड फॉर द नेवी आई एम श्योर आप लोगों ने फॉर्म तो भर ही दिया होगा टेन प्लस टू टी एस आर्मी वालों का जिसका फॉर्म ऑलरेडी जा चुका है और नेवी वाले फॉर्म भर रहे होंगे तो दोनों लोगों को ही तैयारी करनी है क्योंकि इस पर्टिकुलर एंट्री uh, uh, में कोई भी रिटर्न एग्ज़ाम नहीं होता आपके परसेंटेज ऑफ मार्क्स के बेसिस पे और आपके जेई एग्ज़ाम के बेसिस पे आपको कॉल आती है और आपको वहाँ जा कर के डायरेक्ट एस देना होता है और यही एक कारण है द कम्पटिशन बिकम्स वेरी टफ इट इज़ नॉट ईजी बिकॉज अ लार्ज नंबर ऑफ कैंडिडेट्स इनफैक्ट द मैक्सिमम नंबर कैंडिडेट्स जो आते हैं एस एस बी के लिए वो इन्हीं एंट्रीज में आते हैं और इसी वजह से जब आपका पहला स्टेज होता है फेज वन विच इज द स्क्रीनिंग एंड ओ आर अ लार्ज नंबर ऑफ कैंडिडेट्स दे आर स्क्रीनड आउट मैंने अपनी आंखों से देखा है मैं यहाँ पर आया था आई वॉज हेयर टू सी विटनेस दिनिंग प्रोसेस ऑफ टेन प्लस टू टी एस का एंड इट वॉज अमेजिंग बट ये इट वॉज वेरी सैड टू सी ए लार्ज नंबर ऑफ कैंडिडेट गोइंग वेरी फर्स्ट डे आपको तैयारी कुछ अलग से करनी होती है क्या है वो पहली बात तो क्या डिफरेंस है बिटवीन नॉर्मल टी एस एंट्री बैच के बंदे के लिए और एक नॉर्मल एन डी ए के एन डी ए के एंट्री के बंदे के लिए क्या फ़र्क है मैं ये बताऊँगा आपको सबसे पहले टी एस चूँकि टी एस के लिए कोई स्क्रीनिंग प्रोसेस नहीं है रिटर्न एग्जाम का इसलिए जो लेवल ऑफ इंटेलिजेंस है वो डिफरेंट होता है एज कम्पेयर टू अ बॉय हु इज़ अपेयर्ड इन यू एग्जाम ऑफ एन डी एंड हैज़ क्लियर एन डी एग्जाम तो दोनों के डिफरेंस इंटेलिजेंट लेवल पर डिफरेंट होता है ना जब टी के बच्चे आते हैं तो पहली बात तो ये है सर कि हमारा जो मेजर फोकस होता है वो ये होता है कि इट इज़ नॉट वैकेंसी बेस्ड इज नॉट वैकेंसी बेस्ड कि हमें इतनी वैकेंसी इतने लोग चाहिए इतने लोग निकालना पड़ेगा ना इट इज़ टोटली ऑन प्योर मेरिट बेस्ड हमारा फोकस ये होता है कि हम उस लार्ज सैंपल में जो हमारे पास आता है उस लार्ज सैंपल से हम बेस्ट ऑफ द बेस्ट निकाल के बाहर रहें फेज़ वन में और उस बेस्ट ऑफ द बेस्ट निकाल के जो क्रीम है वो निकल के बाहर आ जाएगी और अल्टीमेट रिकमेंड होकर के देर बिकम इंजीनियर्स इन आर्मी एंड नेवी सर्विसेस तो ये जो हमारे बेंच हैं इसके लिए थोड़े से डिफरेंट है बेंच डिफरेंट क्यों है क्योंकि हमें वो लोगों की ज़रूरत है जिनका फर्स्ट ऑफ ऑल टेक्निकल नॉलेज थोड़ा साउंड हो सबसे पहली बात टेक्निकल नॉलेज थोड़ा साउंड होना चाहिए नंबर टू देयर पर्सनैलिटी इज गोइंग टू बी सेम एज दैट ऑफ एनडीए और एज दैट ऑफ एनी अदर एंट्री उसमें कोई फर्क नहीं है लेकिन जब हमें हम जब तैयारी करते हैं तो हम अपने आप में कमी पाते हैं क्योंकि हम आज तक हमने क्या किया हमने शुरू से लेकर टेंथ अलेवन्थ ट्वेल्थ पढ़ाई 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 खूब मेहनत की है तभी इतने अच्छे मार्क्स लेके आए हैं ऑब्वियसली इतने अच्छे मार्क्स लेके आए हैं तो हमारा फोकस थोड़ा स्पोर्ट्स पे थोड़ा आउटडोर एक्टिविटी पे कम रहा ही रहा है वो वो लाजमी है क्योंकि दिन के चौबीस घंटे ही होते हैं और शायद छः सात घंटे सोना ही होता है तो उसके बाकी घंटों पढ़ाई करते रहते हो आप ट्यूशन कोचिंग करते रहते हो तो आपके पास वक्त नहीं मिलता होगा लेकिन अब अगर आपका सपना आर्मी और नेवी में ऑफिसर बनने का है तो आपको अब अपने आप अपनी पर्सनैलिटी को ट्रांसफॉर्म करना ही पड़ेगा बिकॉज यू हैव टू हैव कॉम्पिटिशन विद दोज बॉयज एंड गर्ल्स जो कि एन सी सी के हैं जो सैनिक स्कूल्स के हैं आर एम सी के हैं मिलिट्री स्कूल्स के हैं और उन लोगों ने अप्लाई किया हुआ टी एस के लिए तो कॉम्पिटिशन टफ है आपको क्या करना पड़ेगा आपको बस आपने एकेडमिकली यू आर साउंड इंटेलिजेंट आप हो अब आपको यू हैव टू इमीडिएटली स्टार्ट वर्किंग ऑन योर पर्सनैलिटी बाय फर्स्टली योर कम्युनिकेशन स्किल्स योर अवेयरनेस एंड योर नॉलेज योर नॉलेज अबाउट द डिफेंस द टेक्निकल नॉलेज अब डिफेंस वॉट एवर यू कैन नो वाट एवर इज अवेलेबल इन द ओपन मार्केट और इन द ऑन द नेट ये आपको अपना इंप्रूव करना पड़ेगा और इसके बाद आपको अपनी फिजिकल पर्सनैलिटी पर ध्यान देना होगा यू ऑर टू बिल्ड अप ए फिजिकल स्टेमिना आपको रन करना पड़ेगा जॉक करना पड़ेगा पुशअप करना पड़ेगा सिर्फ करना पड़ेगा बिकॉज आपको ये सारी चीज़ें आप नहीं करते आए हैं बिकॉज ऑफ योर एकेडमिक्स तो ये चीज़ आपको फोकस करना पड़ेगा और ये फोकस करने के लिए आपके लिए सही जगह है मेजर कल्शी क्लासेज यहाँ पर आपको एक पूरा का पूरा एक पैकेज मिल जाता है एक पैकेज जो आप नहीं कर पाए वो यहाँ कर सकते हैं आप आपकी जनरल अवेयरनेस आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी फिजिकल फिटनेस आपको हर तरह की फैसिलिटी यहाँ मिल जाएगी और एक बार यहाँ आइए और आपको आ, ये गारंटीड है कि ये तीनों चीज़ों की जो ट्रेनिंग दी जाएगी आपको यू विल डेफिनेटली हैव एन एज ओवर ऑल अदर्स जो इसके इसके बिना इस कोचिंग के या बिना इस गाइडेंस के आते हैं तो देर किस बात की है फॉर्म तो भर लिया आपने जल्दी आइए ज्वाइन एस एंड वील बी एबल टू गिव यू गुड गाइडेंस फॉर टेन प्लस टू टी एस आर्मी एंड नेवी एस एस इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर थैंक यू जय हिंद